कोशिश करूंगा। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज श्री तुलसी। तुलसी में 5 तरीके की तुलसियां हैं, सभी को पता है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, श्वेत सिरसा और नींबू तुलसी। द फर्स्ट एक्टिव मॉलिक्यूल इज यूजेनॉल। यूजेनॉल ये मॉलिक्यूल जो है, इट इज एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च, टेक्सास यूनिवर्सिटी बोलती है कि तुलसी के अंदर 3 मुख्य जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक है यूजेनॉल जो एंटी कैंसरस है, भारी मात्रा में उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होती है। सेकंड इज सेयूनॉल। सेयूनॉल जो है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये जहां जहां आपको इन्फ्लेमेशन होता है, जहां जहां जो जो बीमारियों में आपको आइटिस नाम जुड़ा हुआ है पीछे, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ये सारी जगह पे आपको इन्फ्लेमेशन पाया जाता है, तो आप तुलसी हमारी हर एक ऐसे प्रॉब्लम्स में दे सकते हो। अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, फीवर है, ये सारी कंडीशंस में आप दे सकते हो। जो तीसरा एक्टिव मॉलिक्यूल है हमारा, वो है कफेन। कफेन इज अ नेचुरली प्रेजेंट मॉलिक्यूल इन तुलसी, और कैफेन जो है एक नेचुरल पेन किलर होता है। कई बार जब हेडेक होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार एक स्ट्रांग कॉफी दे दें, और मूड एनहेंसर होता है, ठीक बात है। तो कई लोगों को जो डलनेस होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन है, तो वो लोग जो है ये प्रोडक्ट लें, उनको काफ़ी आराम मिलेगा। जिस किसी को नींद नहीं आती है, बहुत से लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, इंसोमनिया जिसे कहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स तुलसी आप उनको दे सकते हैं। साथ में इसमें होता है अल्कोलॉइड्स। अल्कोलॉइड्स जो है वो इट इज नाइट्रोजन कंपाउंड्स है जो हमारे शरीर को बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे शरीर को ऑक्सीजन जरूरत है जीवित रहने के लिए, वैसे नाइट्रोजन भी हमारे शरीर को बहुत बहुत जरूरत है। तो अल्कोलॉइड्स होती है। फिफ्थ इज फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स क्या होता है, ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये प्लांट्स में मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं। और फ्लेवोनॉइड्स का काम क्या है, आप लोग देखते हैं ग्रीन टी, ग्रीन टी उसमें लिखा है फ्लेवोनॉइड्स, और ग्रीन टी क्या करती है, मोटापा चर्बी घटाने के लिए काम में आती है। तो इसमें फ्लेवोनॉइड्स काफ़ी भारी मात्रा में है, तो आपके चर्बी भी कम हो जाएगी। एंटी हिस्टामिन्स है इसमें। व्हाट इज एंटी हिस्टामिन, ये आपकी सारी एलर्जिक प्रॉब्लम्स को रोकने में काम में आता है। तो एंटी हिस्टामिन्स होती है, तो ये क्या करती है, एंटी हिस्टामिन क्या करता है बेसिकली, एंटी हिस्टामिन मार्केट में आपको पता है एलेग्रा, सिट्रिजीन, ऐसी टैबलेट्स का नाम सुना होगा, दे आर ऑल एंटी हिस्टामिन्स, बट दे आर सिंथेटिक। ये सिंथेटिक है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर बायो अवेलेबल, बायो एब्जॉर्बेबल, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से बना है कि जो हमारे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल है वो हमारे शरीर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है। अंडरस्टैंड दिस, एंड दैट इज व्हाई ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एंटी हिस्टामिन्स है। तो कहने का मतलब ये है कि जो तुलसी है, तुलसी के सभी लोग डेमो करते हैं, तुलसी में हम लोग डेमो करके दिखाते हैं कि ये जो है कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है, ये सारी चीज़, ये क्यों होता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। ये आप अगर बता दोगे तो लोग जो है समझ जाएंगे कि यस तुलसी इस तरीके से काम करता है। सो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पायरेटिक, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी सेप्टिक, एंटी कैंसर हमारी तुलसी की प्रॉपर्टीज है। फीवर, हर टाइप के फीवर में आप इसको दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का फीवर हो, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, मलेरिया है, टाइफॉइड है, दे सकते हैं। आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ बहुत बढ़िया है जो मैं रेगुलरली हमारे पेशेंट्स को देता हूँ, कि किसी को बहुत ज़्यादा फीवर है, कम नहीं हो पा रहा है, तो आप 100 ml पानी लीजिए, उसमें करीब 10 ml गौमूत्र डालिए और हमारे तुलसी के 10 बूंद डाल दीजिए, और उसको एवरी हाफ एन आवरली पिलाइए एक एक चम्मच, एंड यू विल सी दैट विद इन 24 to 36 hours उसका फीवर ठीक हो जाएगा। वंडरफुल रेमेडी। तो किसी भी प्रकार के आप फीवर के लिए दे सकते हैं। प्रोटेक्ट्स द हार्ट, हार्ट के लिए काफी अच्छा है बिकॉज ऑफ यूजेनॉल। बीट स्ट्रेस, क्या करता है स्ट्रेस को, किस तरीके से बीट करता है, बिकॉज की ये जो एक हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, ये हमारे जब भी हमको स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल का जो इम्बैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस कर देता है। सो इट्स वेरी गुड फॉर दैट।
डिजॉल्व्स किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स के लिए बहुत बहुत लाभदायक है क्योंकि यूरिक एसिड की जो मात्रा है उसको घटाना चालू कर देता है। साथ में स्मोकिंग के लिए, जो भी नशा पत्ती के आदि हो चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट। ये कोई नशा छुड़ाने के लिए नहीं है, बट इसकी जो अरोमा है, इसका जो टेस्ट है, वो ऐसा है कि आपको वो सिगरेट या तंबाकू छुड़वाने के ऊपर मजबूर कर देगा। तुलसी पानी को भी बहुत साफ करती है। अगर हम एक लीटर पानी में एक बूंद अगर तुलसी डाल दें तो उसमें किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन है, उसमें किसी भी प्रकार के हानिकारक मेटल्स है, उसमें किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स है, वो टोटली जो है नष्ट कर देगा और पानी को साफ सुथरा और पीने लायक बना देगा ये तुलसी हमारा। तो ये तो घर घर की आवश्यकता है, ये तुलसी हर एक इंसान ने लेना है। और तुलसी का जो डोजेज है, अगर आपको लगता है कि आप स्वस्थ हो, आप निरोगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 5 से 6 बूंद लीजिए। 4 से 5 लीटर पानी पीते हो रोज, जरूरी है पानी पीना, तो 4 से 5 बूंद आप तुलसी डाल के उसको रोज पीते रहिए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो जैसे मैंने बताया कि एज के हिसाब से, न्यूट्रिटिव एज है तो थोड़ा कम देना पड़ेगा, मैनेजिंग एज है तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, और पैलिएटिव स्टेज में आपको डोज ज़्यादा देना पड़ेगा, तो 3 से 4 बूंद अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कैंसर में देना है, आपको किसी भी ऐसे प्रॉब्लम्स में देना है, 4 से 5 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको उसको पानी में मिला के, गर्म पानी में मिला के देना है। एक बात ध्यान रखें कि तुलसी लेने के पहले और बाद में दूध ना पिए।